नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 9 सितंबर रात के 9:30 बजे। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस हफ्ते में करेंसीज में कैसे बिहेव किया और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए वीकली जो क्लोज दिया है वो है आपका 105.05, RSI at 60, प्राइस के हिसाब से आपका 105.50 से 104 is expected to offer resist. मंथली में देखेंगे जो RSI है at 56.73, 60 पे immediate resistance zone है। ये resistance zone अच्छा खासा resistance offer करने का। daily पे अगर हम देखेंगे जो price बनाया हुआ है, एक doji candle, also a pin bar, but इसका location जो है उल्टा direction, at the top of the trend, जो आपका 13-14 July से एक up move दिया, up move में resistance area में आके एक pin bar बनाया, not any, तो immediately एक resistance zone है, so शायद Monday onwards थोड़ा सा ऊपर के तरफ भी जाने का possibilities है, लेकिन 105.50, 105.70 पे price कैसे build up होता है वो हमें देखना है। ऑल्सो ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे, यानी फ्राइडे के लो के नीचे प्राइस अगर सस्टेन कर जाता है तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकते हैं। डॉलर रूपी जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 82 पॉइंट, ये पिछले 3 दिन का लोएस्ट क्लोज है। आपका 6 सितंबर में हाईएस्ट क्लोज दिया था अभी के स्विंग हाई में, then followed by 7 September and कल आपका daily पे। एक नजर weekly and monthly पे डालते हैं। weekly जो RSI है वो है आपका 58.50, that being the 20.50 resistance zone था, उस area पे resistance लेने का higher possibilities है। monthly RSI above 60 at 67.48, that being the case, जो higher time frame, that means the longer view जो है dollar rupee में bullishness बरकरार है। एक बार अगर आपका 80 के ऊपर weekly close दे देते हैं, in such a case एक upward momentum हम देख सकते हैं। So weekly पे immediately एक resistance है जहाँ पे हमने देखे हैं invisible hands का presence, जिन्होंने Friday के दिन पे सेल ऑफ किया एंड रूपी को नीचे के तरफ लेके आया। और फर्दर उसको एनालिसिस करने के लिए हमें CNH को देखना है। डॉलर 7 पॉइंट जो हम डर रहे थे, ये जो आपका 17 अगस्त का हाई, दैट मींस 7 उसके ऊपर CNH में और अप मूव जाने का पॉसिबिलिटीज है, जो फ्राइडे के दिन हमने देखा है ये 7.3650 पे जाके क्लोज दिया हुआ है। डेट कॉन्सर्न ये जो CNH का प्राइस है, क्या PBOC मंडे अनवर्स दोबारा इंटरवीन करेंगे, नॉट ओनली द इंटरवेंशन बट ऑल्सो सर्टेन पॉलिसीज विच विल ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट CNH फ्रॉम फर्दर डेप्रिसिएशन, वो हमें केयरफुली मॉनिटर करना है। As of now, price के हिसाब से CNH में अच्छा खासा weaknesses है and which may put further pressure on dollar. अगर हम Brent crude को देखेंगे, वो है आपका 90.09 पे क्लोज दिया है। इसको एक नजर weekly पे देखते हैं। Weekly का जो price है, यहाँ पे एक resistance था 89 जो के ऊपर जाके क्लोज दिया हुआ है। एट वीकली RSI आल्सो अबव 60 चला गया है एट 62। ओनली बेनिफिट इज ब्रेंट क्रूड का आपका मंथली इज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली, सो यूके ऑयल मंथली देखते हैं। यूके ऑयल का जो मींस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द डॉलर ब्रेंट क्रूड, जो RSI एट 55.85 में है, तो यहां पे और ऊपर जाने का रूम है। दैट बीइंग द केस, ब्रेंट अगेन 950 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, इन सच ए केस ये ऊपर जाने का दम रखता है। ये ऊपर जाता 62-80, 82-85 का एक रेंज में अटका हुआ था, एक बार ब्रेकआउट किया तो ये 83-20-22 तक गया था, जहां पे हमने इनविजिबल हैंड्स, दैट मींस द 2.5 किलो का हाथ, उन लोगों का प्रेजेंस देखा है।
जो ये नहीं चाहते कि रूपी अनइंटरप्टेडली डेप्रिशिएट करे। यहाँ पे मैं ये स्ट्रेस करना चाहता हूँ स्पेशली दो जो रूपी डॉलर रूपी रिलेटेड स्टडीज में नए हैं, जो लोग ऑलरेडी सालों साल यूएसडी आईएनआर पे ट्रेड करते हैं, स्पेशली इन इंटरबैंक मार्केट दे नो इट वेरी वेल, आल्सो दोज इन डॉलर रुपी स्पॉट एंड फॉरवर्ड दे आर कि डॉलर रुपी का जो वॉलेटिलिटी है ये बियॉन्ड कंट्रोल ना जाए। और बियॉन्ड कंट्रोल में जाते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग के लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। सो दे वॉन्ट टू मैन्यूवर द डॉलर रुपी रेट इन ए सर्टेन रेंज, वो रेंज जहाँ पे दे आर हैप्पी टू अलाउ रुपी टू मूव विद इन दैट। और रिटन डॉक्यूमेंट जो बोलेगा कि ये रेंज में जाएगा तो दे आर गोइंग टू इंटरवीन बाई सेलिंग साइड, इसके नीचे आएगा तो दे विल इंटरवीन फ्रॉम द बाइंग साइड, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट है नहीं। दिस इंफॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिवली फॉर दोज हु आर न्यू टू करेंसी ट्रेडिंग, डॉलर रुपी ट्रेडिंग, especially in currency futures major role play karte hai, which is not available in equity market, especially in nifty bank nifty and other share trading pe jahan pe sirf aapka demand and supply, uske baad uska fundamentals, any growth prospect or negative growth prospect jo price ko determine karte hai along with fii inflows ya fii outflow। लेकिन करेंसी पे स्पेशली इन डॉलर रुपी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट अदर देन ऑल दोज क्या एस्पेक्ट्स, आपका फंडामेंटल इकोनॉमिक फ्लो का कोई डिमांड आ रहा है, उसके अलावा भी एक थर्ड एलिमेंट रहता है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द इनविजिबल रेंज में। तो उसके कारण आप देखोगे यहाँ पे, अगर देखोगे तो डॉलर रुपी पहले एक ऊपर के रेंज पे 83 और नीचे के रेंज पे 80.50 था। ग्रेजुअली क्या हो गया, जो लो से वो ऊपर जाने का चालू किया, 80.50 से 81, देन योर 81, उसके बाद आपका 82, देन यहाँ पे जाके लेटेस्ट जो आया था वो 82.40-50 में, यानी लोअर लेवल्स का रेंज जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, व्हेयर इज द हाइज आर ऑलमोस्ट रिमेन सेम, बट ऐसा प्रतीत होता है कि ये रेंज ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दैट बीइंग द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज, जो पहले 82 एंड 83 के बीच में डॉलर रुपी अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो एक रेंज में था, ग्रेजुअली वो रेंज अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सो नया जो रेंज ऐसा लग रहा है 80 और 30 50 82 30 से 82.50 on the lower side and upar ke taraf as of now it is 83.20 ek resistance hai, but aane wale dino mein aisa pratit hota hai ki ye range bhi upar ke taraf jata hai, so the bias of dollar rupee range is shifting higher. This analysis is exclusively for those players who are new to currency trading or थोड़े ही टाइम हुआ है करेंसी ट्रेडिंग में, एंड दे आर नॉट हैविंग द एक्सपोजर इन डॉलर रुपी स्पॉट एंड डॉलर रुपी इंटरबैंक मार्केट। सो ये जो रेंज शिफ्ट हो रहा है, इस रेंज को आपको आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो इक्विटी ट्रेडिंग में नहीं है, ये हो डॉलर रुपी का। सो यहाँ पे आप बोलोगे तो व्हाट्स, यहाँ पे आपको क्या लगता है, यहाँ पे वही है कि इनविजिबल हैंड्स का प्रेजेंस ऊपर के लेवल पे है, 83.20 के लेवल पे है। सो यहाँ पे एक डीप डाउन अगर आते हैं टूवर्ड्स 82.40 82.60 के बीच में, या 82.40 से 82.50 के साइड में, मींस लोअर साइड में अगर आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप लॉन्ग करके बैठ सकते हो, तो फॉर ए टारगेट टूवर्ड्स 83.20 83.40। एंड सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे रेंज शिफ्ट होता रहेगा आई विल ब्रिंग माई एनालिसिस। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर, जीबीपी डॉलर जो डेली क्लोज दिया है वो है आपका 1.2464, ये काफी डेप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट द डॉलर्स, यहाँ पे अच्छा खासा वीकनेसेस है। ये वीकनेसेस के कारण आने वाले हफ्तों में भी इसमें वीकनेसेस बरकरार रहने की, काफी वीक हो चुका है, ये क्लोज दिया है 103.44, यहाँ पर भी वीकनेसेस बरकरार है। जब तक यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो से हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस नहीं करते हैं तब तक
GBP/INR पे सेल ऑप्टिक्स आप कर सकते हो। यूरो डॉलर में भी अच्छा खासा वीकनेस बना हुआ है, ये अभी 1.07 सपोर्ट लेवल पे चार दिन से टाइम पास कर रहा है। अभी कल का जो कैंडल है ये बहुत ही खतरनाक कैंडल है। क्या खतरनाक कैंडल है? मान लेते हैं मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन इसके हाई के ऊपर, कल के हाई के ऊपर, दैट मींस फ्राइडे के हाई के ऊपर क्लोज दे देता है तो यहाँ पे नीचे जाने का जो पेस है वो स्टॉप हो जाएगा फॉर सम टाइम एंड प्राइस में कंसोलिडेट टू मूव हायर। ये एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है सब्जेक्ट टू डेली क्लोज अबोव फ्राइडेज हाई। यूरो आईएनआर यहाँ पर भी अच्छा खासा वीकनेसेस है एंड जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है आपका 88 से 88.30 के बीच में। सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट आल्सो। डॉलर येन बहुत ही मींस डॉलर काफी स्ट्रेंथ हो रहा है अगेंस्ट द येन। BOJ मींस जापान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वर्बल इंटरवेंशन के बारे में बार-बार इंडिकेशंस कर रहे हैं। मींस ये एक फेज होता है एज़ फार एज़ द येन इज कंसर्न। पहले वर्बल इंटरवेंशन फ्रॉम द FM, देन आपका BOJ, फिर उसके बाद एक्चुअल इंटरवेंशन आने का है। तो अभी तक एक्चुअल इंटरवेंशन हुआ नहीं है तो यहाँ पे प्राइस वाइज ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, लेकिन BOJ इतना आसानी से येन को डेप्रिशिएट होने नहीं देंगे। दैट बीइंग द केस वी आर वेटिंग फॉर ए स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ वेदर इट इज फ्रॉम 148 लेवल और 149 लेवल और 150। मींस प्राइस एक्शन अभी तक लॉन्ग के लिए नहीं दे रहा है। ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे एक ट्रेंड क्लोज दे देता है तभी जाके लॉन्ग बिल्डअप के लिए आप देख सकते हैं। येन आईएनआर पे आपका जो लॉन्ग का सेटअप है अगर उस टाइम पे आते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। डॉलर कैंडी क्या हुआ, आपका 1.37 तक चला गया, फिर कल एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। यहाँ पे ये जो ब्रेक फॉल्स ब्रेकआउट का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो अदर साइड में एक रैपिड मूवमेंट हो सकता है। इन सच ए केस इस डायरेक्शन पे मींस फर्स्ट टारगेट टुवर्ड्स 1.3480 देन प्रूव। ऑसी डॉलर में कंसोलिडेशन जारी है पॉइंट से, यहाँ पे बेसिकली प्राइस RSI डाइवर्जेंस भी बना रहे हैं, बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, अभी भी लॉन्ग नहीं बन रहा है, अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार करना है। CNH ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ब्रेंट क्रूड आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। सो US 10 ईयर ट्रेजरी 4.268 पे क्लोज दिया है, प्राइस यहां पे हेजिटेट कर रहा है, लोअर हाई बना रहा है। जब तक इस हाई को चैलेंज नहीं करता है तब तक ये ऊपर की तरफ थोड़ा हेजिटेट कर रहा है। मींस मार्केट वेटिंग फॉर कि शायद कुछ रीजन आ जाए रेट कट करने का, लेकिन वो तो रेट कट जो है होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी सडनली एक डेटा आ जाते हैं एंड फेड कोई ये भी इस रेजिस्टेंस जोन पे रेस्पेक्ट कर रहा है। सो एक कंसोलिडेशन जोन बन चुका है 4.75 से 5.08 के बीच में। प्राइस जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करता है, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, तब तक कंसोलिडेशन मोड में ही रहने का है। सो करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।